प्रणाम। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सैड है। आपको पता ही होगा कोरोना के चलते कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है आज की डेट में, और कोरोना के चलते उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, ये वीडियो किसी राजनीतिक स्टंट के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल आपसे एक अनुरोध है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी मुझे जानते हैं, बस इतना सहयोग आप दें। आप जब भी सो के उठ रहे हैं सुबह के टाइम, भले ही कोई 5 बजे उठ रहा हो, कोई 8 बजे उठ रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उठने का टाइमिंग इसमें मायने नहीं रखता है, बस एक चीज़ मायने रखती है। हमने सुना है कि हमारे 2 मिनट मौन रखने से जो व्यक्ति जा चुका है, मतलब मैं स्कूल में था, स्कूल लाइफ में काफ़ी सारे लोग आप जानते होंगे, स्कूल लाइफ में जब कोई बड़ा व्यक्ति चला जाता था, हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखते थे। ये सारे व्यक्ति काफ़ी स्पेशल थे, किसी ना किसी के खास रहे होंगे, हमें नहीं मालूम, ये हमारी इंसानियत है। तो मेरा आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, मतलब मैं आपके सामने बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब भी सो के उठें, आप प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जो कोरोना से हार के दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है विधिवत तरीके से उनके कल्चर के हिसाब से, उनकी आत्माओं को शांति दें। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर रहे हैं। 2 मिनट अपन मौन रखेंगे, 2 मिनट के बाद में उनके बाकी सारे जो क्रियाकलाप हैं वो करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि इस 2 मिनट से जो पॉजिटिव वाइब्स निकलती है वो उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए काफ़ी होती है। क्या मुझे ये सब बातों का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, या जो अपने आप को इंसान समझते हैं, जो अपने आप को सच्चा मुस्लिम समझते हैं, सच्चा सिख समझते हैं, सच्चा ईसाई समझते हैं, यहाँ पे एक कल्चरवाद की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात कर रहे हैं इंसानियत की, ठीक है। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। आप चाहे तो मेरा वीडियो जितना चाहे उतना शेयर करके इस बात को फैला दें, या आप चाहें कि भाई मैं अपना वीडियो प्रमोशन करने के लिए आपसे शादी वाली बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल करते ही आप ये चीज़ दिमाग से निकाल के आप चाहें तो अपना मैसेज टाइप कर लीजिए, अपना एक अच्छा सा एक मैसेज बना लीजिए इस चीज़ के लिए कि लोग सुबह 2 मिनट मौन व्रत रख लें, जब तक कोरोना चल रहा है, जब तक जितने लोग मर रहे हैं उनके लिए ये प्रार्थना की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 दिन ये काम करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से माहौल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारी पॉजिटिव वाइब्स निकल के। देखिए मोदी जी ने तो काफ़ी सारी चीज़ें कराई भाई, कोरोना में जितने लोग जंग लड़ रहे हैं, इसमें जो जीवित हैं उन लोग की तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, उनका हौसला अफजाई हो रहा है, उनके लिए सरकार भी कर रही है, बीमा भी करवा दिया गया है। लेकिन बेचारे जो लोग चले गए हैं उनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ उनके लिए सोचने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस कर डालो, ज़्यादा सोचने से अच्छा है उस चीज़ को करना, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अपने स्टेटस पे एटलीस्ट आप चाहें तो मेरा वीडियो डालें, नहीं तो आप अपनी ये बात लिख के डाल दीजिए। आप जिस तरीके से इस बात को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जितने ज़्यादा लोग अपनी इस मुहिम से जुड़ेंगे उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और कहते हैं बड़े बुजुर्गों की आत्मा की शांति अगर होती है और किसी भी व्यक्ति में से होती है तो उनके आशीर्वाद से, मतलब मैं यहाँ एक लालच देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके आशीर्वाद से हमारे सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। और देखिए किसी भी लालच में आके मत कीजिए, जो लोग लालच में कर सकते हैं वो लालच में करें, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस नमस्कार, आज के लिए मेरा इतना ही निवेदन है आपसे।